द सॉन्ग वाई दिस कोला वेरी बाय धनुष। ये गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सबने सुना होगा, क्योंकि जब मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तो ये गाना लोग पागलों की तरह सुन रहे थे, 10-10 20-20 बार एक दिन में। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। परकेशन स्टाइल गाइज इसमें हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं डाला है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये वाला बीट इस पर एकदम मैच कर रहा है, मतलब आपने भी सुना होगा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम इस पर कर रहे हैं। और गाइज हम इस वीडियो में ये वाली स्टाइल की बात नहीं करेंगे। ये अगर आपको सीखना है कि ये किस तरह से प्ले करते हैं, देन डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, पानी दा करके मैंने वीडियो डाली हुई है, वो सेम इस बीट पर है। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि इसको कैसे बजाना है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ दो वीडियो में रिपीट करना कोई मतलब ही नहीं बनता गाइस। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, आपको ईजिली आ जाएगा प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। तो इस पर हम सिर्फ कॉर्ड्स की बात करेंगे कि इस गाने में कॉर्ड्स कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको केपो लगाना है फर्स्ट फ्रेट पे इस गाने को प्ले करने के लिए। और उससे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर आपको परकेशन वीडियोस चाहिए देन आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। लेटेस्ट वीडियोस या जो भी आपको किसी भी गाने का चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हो, मैं बनाऊँगा। ओके, सो सबसे पहले फ्रेट पे केपो, देन इसके कॉर्ड्स एकदम ईजी है, एकदम ईजी। सबसे पहला कॉर्ड इसमें आता है ई माइनर, देन डी मेजर, देन ए माइनर, देन डी मेजर। तो ये कोरस तक आपका यही चलेगा प्रोग्रेशन, ई माइनर, डी मेजर, ए माइनर, डी मेजर। ओके, एंड गाइस आपको अगर एक चीज़ मैंने देखी है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि वर्ड्स क्या होता है गाने में, प्री कोरस क्या होता है, कोरस क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ये चीज़ नहीं पता होती है। तो अगर इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए देन कमेंट में आप प्लीज़ बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये चीज़ भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप गिटार प्ले कर रहे हैं तो, क्योंकि गाने में क्या चीज़ क्या होती है उस हिसाब से स्ट्रमिंग बनती है गाइस। कि जैसे होता है काफ़ी बार के जब वर्स होता है तो उसमें स्ट्रमिंग थोड़ी स्लो होती है, प्री कोरस में थोड़ी फास्ट, देन कोरस में और अच्छी हो जाती है वो, उसमें और फिलर ऐड हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए देन आप प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड इसमें गाइस क्या है, ई माइनर, डी, ए माइनर, देन ये हम पहले कोरस तक की बात कर रहे हैं, मतलब वाई दिस कोला वेरी कोला वेरी डी तक, तो ये बजेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आगे भी ऐसे ही सेम चलेगा, चेंज आपका कहाँ पे होगा, अब आपका एक उसमें लाइन आती है ये वाली जो लाइन आती है उसमें आपका प्रोग्रेशन होगा ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, बी माइनर। ओके, then B, इसका D आ जाएगा। Yella glass, glass the scotch, eyes are full of tears, empty life, come come, life's a reverse gear, alone alone, oh my love, you show me the way, na na na, na na na, na na na, na na na। अब गाइस चेंज होगा यहाँ पे प्रोग्रेशन, एक और बार चेंज होगा, गर्ल आई एम यहाँ पे, तो इसका प्रोग्रेशन होगा ई माइनर, देन बी माइनर, देन सी मेजर, देन डी मेजर। जैसे D major, C minor, D major, C minor, D major.
इस तरह से चलेगा। और जिनको ये वाली हर्ट बीट स्टाइल नहीं करनी है वो गाइस सिंपल सी एक स्ट्रमिंग कर सकते हैं, डाउन अप ये वाली आप कर सकते हैं। ये भी मैंने तेनू वेग वेग प्यार कर दी वाले में बताया है, देन आप उसमें जाके देख सकते हैं। वैसे मैं अभी बता देता हूँ, बहुत ईजी है। डाउन अप टैप, डाउन अप टैप, डाउन अप टैप, मतलब डाउन स्ट्रोक देन अप स्ट्रोक देन टैप। आपको ये नेल्स से आपको स्ट्रिंग पे हिट करना है तो वो टैप हो जाएगा। डाउन अप टैप, डाउन अप टैप, डाउन अप टैप। सो अगर हम इसको इस तरह से बजाएं तो कुछ ऐसा बजेगा। जैसे आपको ठीक लगे, आपको जो सूट करे, जो स्टाइल आप उससे बजा सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड एक्सेप्ट माय सिंगिंग, क्योंकि वो मेरी बहुत ख़राब है, देन आप कमेंट कर सकते हैं। एंड कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए देन आप वो भी लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना नई वीडियोज़ के लिए, और इससे जैसे प्रोफेशनल स्टाइल होते हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए भी। और एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।